इलेक्ट्रिक पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है और आज हम सीखेंगे डीपी स्विच का कनेक्शन। डीपी स्विच यानी कि डबल पोल स्विच, डीपी यानी डबल पोल स्विच जिसमें चार पोल होते हैं। डीपी स्विच का प्रयोग हम मेन स्विच के रूप में भी करते हैं या गीजर के लिए भी करते हैं, जो भी बड़े इक्विपमेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हालांकि आजकल तो एमसीवी का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य तौर पे गीजर के लिए और मेन स्विच के रूप में करते हैं। तो आइए हम सीखेंगे गीजर और डीपी स्विच का कनेक्शन कैसे। देखिए पार्ट थ्री, डीपी स्विच कनेक्शन यानी डबल पोल स्विच कनेक्शन। डीपी स्विच को मेन यानी मुख्य स्विच के रूप में और गीजर, ओवन आदि के लिए भी किया जाता है। ये होता है आपका डीपी स्विच। डीपी स्विच यानी हम दिखा भी दे रहे हैं आपको, ये है डीपी स्विच। देखने में ऐसे स्क्रू टाइप भी होता है, प्रेसिंग टाइप भी होता है। तो ये देखिए मेरे पास पुराना है, इसको मैं इसी पे बता रहा हूँ। और ये है 15 एम्स का सॉकेट, हमने यहाँ बना दिया। अभी देखिए हम कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे नज़दीक में तो एल टू एन वन, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो एल वन, इधर लिखा रहेगा एन वन, यानी कि इनकमिंग जो बाहर से पावर आएगा, जो मेन बोर्ड से पावर आ रहा है इसमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि बाहर से जो पावर आएगा, जो डीपी स्विच है देखेंगे तो यहाँ भी आपका चार पोल है, यानी एल वन एन वन। एल वन एन वन का मतलब है, ये देखिए एन वन एल वन, यानी कि इसमें न्यूट्रल इनपुट, ठंडा वाला तार इसमें जाएगा और गर्म वाला तार यहाँ, यानी फेज करंट, इसको बोलते हैं फेज। ये दोनों इनपुट करंट, इनपुट का मतलब जो आ रहा है, और आउटपुट करंट यहाँ से जाएगा। देखिए अब ये एन वन एन टू बन के एन वन एन टू में कन्वर्ट होता है और सीधे यहाँ ऐसे होके आएगा और यहाँ जाएगा। ओके, फिर एल टू इधर से ऐसे होके ये देखिए यहाँ आएगा, और ये ग्रीन वाला अर्थिंग वायर है, ये यहाँ से ऐसे, ये सिंबल है कि इसमें ज्वाइंट नहीं, ये क्रॉस करके जा रहा है, ये इसलिए ऐसा किया हुआ है, ये यहाँ पर आएगा। अब हम वही देखेंगे। अभी देखिए अब और ये लग गया, हाँ देखिए ये हमारा मेन कनेक्शन आ गया, ये मेन आया और इधर से निकल करके यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, दोनों ये मेन कनेक्शन आ गया। आने के बाद इधर से फेज निकल के जा रहा है, इधर से न्यूट्रल निकल के, अर्थिंग यहाँ सॉकेट में डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। मैंने छोटा छोटा तार लिया है सिर्फ समझाने के लिए। ये मेन आपका स्विच बोर्ड से आता है, ये तीन यहाँ पर जाता है और यहाँ से जहाँ सॉकेट लगा रहता है वहां पर जाता है। अब एक और चीज है इनपुट, अब एक और चीज है, मान लीजिए आपके पास ये सॉकेट नहीं है, सॉकेट नहीं है तो यहां से ये निकाल देंगे। अभी देखिए ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। जब स्विच ऑन करेंगे ना तो इसमें करंट आएगा, स्विच ऑफ भी रहेगा तो इसमें रहेगा, ऑन करने में इसमें आएगा। अब आप चाहें तो इसके साथ मोटर वगैरह का भी कनेक्शन दे सकते हैं, कोई भी, यानी ये स्विच ऑन करके मोटर को भी दे सकते हैं, गीजर को देना रहेगा तो इसमें लगाएंगे ताकि